अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप सबके लिए एग रोल्स की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसके इंग्रेडिएंट्स ये हैं: चिकन 1 कप, बोनलेस, बंद गोभी 1 कप, शिमला मिर्च 1 कप, गाजर 1 कप, 2 कप मैदा, 1 कप दूध, 1 कप पानी और अंडे। सबसे पहले पैन में ऑयल गरम कर लेंगे और उसके अंदर चिकन डालकर फ्राई कर लेंगे जब तक वो वाइट ना हो जाए। बेसिकली इसके 4 स्टेप्स हैं, जिसमें सबसे पहले हमने फिलिंग तैयार करनी है, उसके बाद हम उसका उसकी जो रोल्स के लिए पट्टी होगी वो तैयार करेंगे, उसके बाद उसको फ्राई करेंगे और उसके बाद उसके अंदर फिल कर देंगे और फिर फ्राई भी करेंगे एंड पे। यहाँ पे मैंने नमक डाल दिया है, अच्छी तरह मिक्स कर लें, चिकन जो है वो अच्छी तरह फ्राई होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे गाजरें डाल लेंगे, गाजरों को भी स्टर फ्राई करना है। इसमें भी नमक डाल दिया है, जितना आप चाहते हैं उतना नमक आप इसमें डाल सकते हैं आपके टेस्ट के मुताबिक। फिर इसके अंदर शिमला मिर्च डाल देंगे, फिर इनको अच्छी तरह स्टर फ्राई करेंगे। एक ही पैन में सारी चीज़ें जो हैं वो हमने डाल के तो बना लेनी है। इसके बाद इसमें बंद गोभी डाल रहे हैं 1 कप, तीनों चीज़ें जो हैं वो 1-1 कप होंगी। थोड़ा सा और नमक डाला है टेस्ट के मुताबिक, बहुत ज़्यादा भी नमक नहीं होना चाहिए लेकिन मैं वो थोड़ा थोड़ा डाल रही हूँ। यहाँ पे काली मिर्चें डाल दी हैं, थोड़ा सा सफ़ेद मिर्चें डाली हैं यानी वाइट पेपर, एक टीस्पून वाइट पेपर डालिए यहाँ पे। अच्छी तरह मिक्स कर लें और जो चिकन फ्राई किया था उसको मैंने अच्छी तरह श्रेड कर लिया था और उसके बाद इसी को फिलिंग में मिक्स कर देंगे। अच्छी तरह मिक्स करके फिलिंग तैयार हो जाएगी। इसमें थोड़ा सा सिरका और सोया सॉस भी डाल लिया आपने। अब यहाँ पर जो उसकी पट्टियाँ होंगी या उसकी जो रोटी होती है हम कह सकते हैं, वो बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, जो मैंने आपको पहले बता दिए थे। इसमें 2 कप मैदा डालेंगे, 2 चम्मच ऑयल डालना है, 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे इसमें। एक टीस्पून इसमें नमक डालेंगे और 1 टीस्पून है इसमें ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च डालेंगे। 1 कप दूध डाल दिए, और साथ ही इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। फिर इसमें 2 अंडे डाल देने हैं। अगर आप 2 कप मैदे का बैटर तैयार कर रहे हैं तो आपने इसमें 2 अंडे डालने हैं, 1 कप तैयार कर रहे हैं तो 1 अंडा डालना। और साथ ही इसमें पानी भी 1 कप डाल देंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें कि कोई लम्स ना इसमें रह जाए।
इसको बिल्कुल लिक्विड सा होना चाहिए, बहुत थिक नहीं होना चाहिए पेस्ट को, लिक्विड सा होना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी लिक्विड है, काफ़ी पतला सा है। ये आपका तैयार हो गया है। अब आप इसे जो रोल्स हैं वो तैयार, रोल्स के लिए जो पट्टी होती है वो तैयार कर सकते हैं। एक फ्राइंग पैन में थोड़ा सा ऑयल लें और उसके बाद उसमें वो फिर जो बैटर है वो डाल लें और बिल्कुल अच्छी तरह उसको जैसे गोल कर लें ताकि गोल रोटी जो है वो आपकी तैयार हो जाए। दोनों तरफ से हल्का सा उसको फ्राई कर लें। उसके बाद फिलिंग जो है वो उसमें डाल दें। और ये देख सकते हैं आप यहाँ पर कि किस तरह मैं फिलिंग डाल के उसको कर रही हूँ। साथ मैंने ये मैदे में थोड़ा सा पानी डालकर रखा था और वो लगा रही हूँ ताकि सब कुछ अच्छी तरह बाइंड हो जाए और जब हम उसको फ्राई करें तो वो खुले ना। अब देख सकते हैं किस तरह मैं रोल बना रही हूँ, बिल्कुल इस तरह ही बनाएंगे। आपके बिल्कुल भी रोल्स जो हैं वो फ्राई करते हुए ना खुलेंगे ना ही उसके अंदर ऑयल जाएगा। ये एक और रोल बनाया जा रहा है यहाँ पे। अच्छी तरह से हर चीज़ पैक कर देनी ताकि कहीं भी जो अंदर फिलिंग है वो बाहर ना आए, ना ही उसके अंदर ऑयल जा सके। यहाँ पर बना के रख लिए हैं, मैंने इनको फ्रीज़ भी कर लिया था। अगर आप फ्रीज़ करना चाहते हैं तो फ्रीज़ कर सकते हैं, उसी वक्त भी बना सकते हैं आप जब चाहें। क्योंकि ये रमज़ान है तो रमज़ान में आप जब चाहें इसको फ्रीज़र से निकाल कर फ्राई कर सहरी या अफ्तारी में खा सकते हैं। ज़्यादातर तो अफ्तारी में ही हम इस तरह की फ्राई चीज़ें खाते हैं। ये फ्राई कर लेंगे अच्छी तरह कि लाइट से ब्राउन हो जाएं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द वीडियो। जज़ाकअल्लाह।